अभी आज हम डिस्कस करेंगे क्या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, इसको ना बोला जाता है भाई गोसन फर्स्ट लॉ। ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, गोसन फर्स्ट लॉ इसको बोला जाता है। ये लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, ये लॉ एक्सप्लेन करता है कि जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट का कंजप्शन बढ़ाएंगे उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। आई बात समझ में? एडिशनल जो आपको यूटिलिटी मिलेगी बाय कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट, इट विल बी डिक्रीज एंड डिक्रीज, लगातार वो कम होती ही रहेगी। ठीक है, अब जैसे आपने लिखा, आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की, उससे जो आपको यूटिलिटी मिली, मान लो वो आपने मार्जिनल यूटिलिटी मिली फर्स्ट से मिली, मान लो वो मिली 10, सेकंड से मिलेगी इससे कम ही मिलेगी, चाहे कुछ भी मिले, चाहे आपको मिली 19, मतलब टोटल 19 हो गई। यहाँ पर 10 है तो आपको यहाँ पर 9 हुआ, इसको तो आप हटा भी सकते हो, ऐसे हटा सकते हो। ठीक है, 3 पे मान लो आपका 26 तो आपको आया 7, 4 कितनी आई आपके पास 28, तो मान लो अभी आपके पास आई 2, 5 आपके पास आई तो आपके पास मान लो आया 28 ही मान लो, तो 0 हो गया, और 6 पर आपकी आ गई 26, तो माइनस के 2। अब देखो ये लो क्या कह रहा था, ये लो कह रहा है जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट का कंजप्शन करेंगे उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाएगी, और ये ना कम, ये लो यही एक्सप्लेन करता है सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, आई समझ में? ठीक है, इनकी भी जो अजम्पशन है सेम वही अजम्पशन है जो आपने उनमें पढ़ी है, इस लॉ की भी अजम्पशन जो आपने पहले पढ़ी है ना, कौन सी रेशनल कंज्यूमर है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, सारी ये आपके लॉ वही अप्लाई होती है, डिविजिबिलिटी ये सब। ठीक है, तो अब ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कम होगी, पहली बात देखो जब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कम हो रही होती है टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जीरो होगी, ये आपका मैक्सिमम होगा और यही आपका कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन पॉइंट होगा, और जब आपका ये नेगेटिव होगा टी यू आपकी डिक्लाइन होगी। ठीक है, इसकी अजम्पशंस देखो क्या है, आपकी कमोडिटी जो कंज्यूम हो रही है वो आपकी स्टैंडर्ड यूनिट में हो रही है, फॉर एग्जांपल लाइक कप ऑफ टी, 1 pen 2 pen 1 hour ऑफ स्टडी, इस तरीके से। ठीक है, आपके जो भी प्रोडक्ट है वो आपके होमोजेनियस है, दो मेन अजम्पशन है, प्रोडक्ट आपके होमोजेनियस रहेंगे, और दूसरी चीज़ क्या कही आपने कि आपके जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसमें आपका कंजप्शन होगा, चाहे टाइम लगा लो, एक कप चाय पी रहे हो आप, 1 kg कुछ खा रहे हो, 1 hour ऑफ स्टडी कर रहे हो, स्टैंडर्ड है आपका। ठीक है, क्लियर होगी बात? ओके, सेम होगा प्रोडक्ट आपका, जैसे एक बार आपने जो मान लो चाय का ही एग्जाम्पल है, एक बार चाय बनाई सारी चाय एक जैसी होगी, पेन यूज़ कर रहे हो सारे पेन एक जैसे होंगे आपके। ठीक है, उनकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आया आपके पास क्या क्या आपके एक्सेप्शन है इसके, देखो इसके एक्सेप्शंस में काउंट होती है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कि एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब ऐसे कौन से प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, कौन कौन से केसेज है जहां पर उसका कंजम्पशन बढ़ने से मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होती, बढ़ रही होती है या कॉन्स्टेंट रहती है, देखते हैं कौन से हैं। सबसे पहले आया आपका क्यूरिशियस और रेयर थिंग, पुराने लोग देखो, पुराने वाली जो चीज़ें, कोई पेंटिंग मिल जाए आपको बहुत महंगी होती है, मोनालिसा क्यों नहीं, मोनालिसा की जो पेंटिंग है उसका रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, वो जितनी पुरानी होती जा रही है और रेट बढ़ रहे हैं, रेयर थिंग है वो कि अकेली है, उसमें बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज है, इस तरीके से वो आपकी बढ़ रही है। वो जो चीज़ें कम है उनकी मार्जिनलिटी जैसे जैसे आपके पास इकट्ठा होगा वो आपके पास बढ़ेंगे। ठीक है ना, आई मेरी बात समझ में? जो रेयर थिंग्स है उनकी आपका ये होगा। दूसरा है माइजस पर्सन, कंजूस व्यक्ति, माइजर, ये क्या होता है, ये तो देखो माइजर्स का कोई भी पर्सन हो जिसके पास जितना पैसा आएगा उसकी बुक उतनी बढ़ेगी, पैसा और आए हो जाए, ऐसा कोई पैसा कहता है नहीं नहीं अब रहने दे अब मेरा नहीं हो, ये सभी पे अप्लाई होता है कि ये इसमें ये होता है कि माइजर पर्सन के केसेस में कि वो किस कितना भी खर्च करे, वो मतलब बचाने की कोशिश करे, सॉरी मतलब वो कितना ही अर्न करे उसके पास पैसे की और भूख बढ़ती रहेगी, बाकी ये सभी पे जनरल एग्जांपल है। ठीक है, तीसरा आया कोई भी गुड बुक और पोएम,
नहीं ये आज की डेट में कोई सूट नहीं करता एग्जाम्पल, पर हमें अगर एग्जाम में है तो लिख के आना है। कोई अच्छी बुक है, कोई अच्छी पोएम है, कोई अच्छा सॉन्ग है, उसको आप रिपीट मोड पे सुनते हो, उससे मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी आपकी बढ़ती है हर बार। कोई सॉन्ग आपने 50 बार सुना होगा, चलता ही रहता है। ऐसी मूवी देखे हो बाहुबली वाली, लेकिन एक लिमिट के बाद उसमें आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। बहुत सारे सॉन्ग्स आते हैं हिट होते हैं, कहीं ना कहीं तो डाउन आ जाते हैं ना, तो वो क्या है कि वो भी आपका एक एक्सेप्शनल है कि आपका कोई गुड बुक हो रही हो, पोइम हो, कोई सॉन्ग हो जो आपको बार बार आपको मोटिवेट करता हो सुनने के लिए उससे। होगा बिल्कुल होगा, लेकिन ये अच्छी बात, अच्छी बुक की बात कर रहा जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपका मतलब इंटरेस्ट है। ये एक्सेप्शनल में इसलिए आए हैं, मैं आज कह रहा हूँ कि ये आज की डेट में नहीं है क्योंकि आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। पहले वाले लोग थे ऐसे जो पढ़ते थे, ये बुक भी पुरानी लिखी हुई है। मैं इसकी एक्सेप्शनल में हटवा दूँ? नहीं अभी रहने दो, आपने एग्जाम क्वालिफाई करना है तो गुड बुक और पोएम आपको रखना है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आज के टाइम में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती, पहले होती थी अप्लाई। ठीक है, ड्रंकार्ड ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। ड्रंकार्ड मतलब शराबी, कुछ भी हो जाए, कितनी मिल जाए पीता ही रहेगा, उसे मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी उसकी मरने तक है ना, टिल उसका सब कुछ बिक जाए, कुछ हो जाए, ऐसे देखे भी एग्जाम्पल। तो मतलब इसके लिए क्या, उसके लिए वो उसे मार्जिन यूटिलिटी उसके लिए बढ़ती रहेगी। और फिफ्थ आया इनिशियल यूनिट्स, स्टार्ट की जो यूनिट होती है उससे आपको यूटिलिटी अच्छी मिलती है, बढ़ेगी आपको। ठीक है, इनिशियल यूनिट्स, आप पहले कुछ खाना खा रहे हो जैसे फर्स्ट वाली, तो पेट अच्छे से नहीं भरा तो हो सकता आपको और खानी पड़ जाए। ठीक है, स्टार्ट में जब किसी चीज़ का कंजप्शन स्टार्ट किया आपने। ठीक है, तो अब ये पांच आपके एग्जांपल है, आपने आए तो सेलेक्ट करके लिख देना एग्जांपल में आएंगे, उसमें आएंगे तो सबसे पहले आपके पास क्या है, क्रूशियस और रेयर थिंग्स जो आपके पास बहुत ही कम अवेलेबल है ना। दूसरा आपने पढ़ा माइजर्स, तीसरा आपने पढ़ा गुड बुक को, पोइम सॉन्ग कोई भी हो सकता है, फोर्थ आपने पढ़ा ड्रंकार्ड्स, एंड फिफ्थ वन इज इनिशियल यूनिट्स। तो पांच आपने पढ़ी, उसके बाद इनिशियल यूनिट्स, इनिशियल यूनिट्स जो पहली बार आप कंजप्शन स्टार्ट किया आपने, तो उसमें जैसे आपको जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते तब तक आप उसको खाते रहेंगे, मतलब यूज़ करते ही रहेंगे आपका, मतलब इनिशियल यूनिट्स की, हाँ उसी की होगी। हाँ फर्स्ट के केसेस में लगा लो, फर्स्ट से सेकेंड के केस में लगा लो, उसी की रहेगी हाँ ज़्यादा। ठीक है, तो ये पांच एग्जांपल हो गए आप, सर एक्सेप्शनल हो गए। एक्सेप्शनल आपको हर चीज़ के पता होना चाहिए, आपने वो भी पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड, या जब डिमांड का होता है वो डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है, उसका वन ऑफ द रीजन ये था कि वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, तो आपने आज पढ़ भी लिया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी होता क्या है। ठीक है, ये लॉ क्यों लगता है, क्योंकि आपके जो भी प्रोडक्ट है वो आपका इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है लो लगने का। खाना खाना है आपने, रोटियों से पेट भरेगा, लेकिन उसके लिए आप बर्गर खा रहे हो, ये खा रहे हो, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं, सब्स्टिट्यूट तो है लेकिन क्या इम्परफेक्ट, परफेक्टली नहीं है कि उसको बिल्कुल सेम यूटिलिटी देगा, नहीं है। ठीक है, दूसरा आपके पास आया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केसेज में। अब आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक साथ दो प्रोडक्ट की आप डिमांड कर रहे हो, तो अब इसमें क्या है, दो को आप एक साथ कंज्यूम करोगे ना, तो बार बार अगर आप करोगे तो उसे मिलने वाली यूटिलिटी आपकी कम होती रहेगी। ठीक है, तीसरा है आपके पास एक ही प्रोडक्ट के आपके अल्टरनेट यूज होते हैं, जिससे यूटिलिटी ज़्यादा होगी आप उसका यूज़ करेंगे आप। ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल में भी अभी पढ़ेंगे आप, आई बात समझ में। तो ये इसके क्या है रीजन्स है कि आपके भाई सब्स्टिट्यूट एक जैसे नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट होता है तो किसी की यूटिलिटी एक टाइम पे ज़्यादा होगी, किसी पे ज़्यादा दूसरे की कम होगी, और तीसरा एक के अल्टरनेटिव होते हैं तो अल्टरनेट जिसका आपको ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी उस पर फोकस कर देते हो। ठीक है, दूसरा जो आपका लॉ आया गोसन सेकेंड लॉ, जिसको बोला आपने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। इक्वी मतलब, इसका मतलब क्या है इक्वी का, इक्वी का मतलब इक्वल। देखो आपने एजम्पशन पढ़ी है रेशनल कंज्यूमर, रेशनल कंज्यूमर वो होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को, वो किसी भी प्रोडक्ट है जो है, सॉरी किसी अपनी इनकम को वो इस तरीके से वो खर्च करेगा
कि उससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो। मैं देखो ध्यान से सुनना, मैक्सिमम मैंने क्या लिखा है, कोई भी रेशनल कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम को इस तरीके से खर्च करेगा जहां पर उससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो। और टोटल यूटिलिटी किसी भी दो प्रोडक्ट पे तब मैक्सिमम होती है जब उन दोनों प्रोडक्ट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी एक दूसरे के इक्वल हो। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने क्या लिखा, एक रेशनल कंज्यूमर वहां अपना पैसा खर्च करेगा जहां पर उसकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम या उस कॉम्बिनेशन को चूज करेगा। और टोटल यूटिलिटी वहां मैक्सिमम होती है जहां पर दो प्रोडक्ट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी एक दूसरे के इक्वल होती है। ठीक है, ये देखो मैंने क्या लिखा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो प्रोडक्ट एक्स है, अगर सिंगल प्रोडक्ट है ना तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स डिवाइड में प्राइस ऑफ एक्स, मतलब प्रोडक्ट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस से जो यूटिलिटी मिल रही है दोनों की इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या आया, मार्जिनल दो प्रोडक्ट है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, तब आपका क्या होगा, वो आपका दो प्रोडक्ट से मिलने वाली जो टोटल यूटिलिटी है वो आपकी मैक्सिमम होगी जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी आपकी इक्वल हो जाएगी। इसको एग्जांपल से समझिए, आप क्या आपके पास दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपके पास x है और प्रोडक्ट आपके पास y है। ठीक है, कंज्यूमर के पास मान लो, एक एग्जांपल मुझे अच्छे से याद है, कंज्यूमर के पास जो इनकम है वो है ₹5, 5 रुपए की इनकम है। ठीक है, अब यूटिलिटी देखो कैसे मिल रही है उसको, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट वाई। ठीक है, मैक्सिमम कितने रुपए खर्च कर सकता है, ये 5 रुपए ही खर्च कर सकता है। इससे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है फर्स्ट पे खर्च करने पर वो मिल रही है 12, दूसरी मिल रही है 10, तीसरी मिल रही है 8, फोर्थ मिल रही है 6 और फिर मिल रही है 4। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई हो गया। ठीक है, इस पे जो मिल रही है वो मिल रही है 10, इस पे मिल रही है 8, इस पे मिल रही है 6, इस पे मिल रही है 4 और इस पे मिल रही है 2। ठीक है, रेशनल कंज्यूमर है, पहला रुपया कहाँ खर्च करेगा बताइए, तो कहाँ मिल रही है, पहला रुपया हो गया यहाँ खर्च, दूसरा रुपये सेकेंड रुपये कहाँ खर्च होगा, चाहे यहाँ खर्च करे चाहे यहाँ खर्च करे एक ही बात है, इसने कर दिया यहाँ खर्च। तो टोटल यूटिलिटी देखते चले जाओ, टोटल यूटिलिटी रुपये एक से आपको मिली 12, सेकेंड से मिली 10, यहाँ खर्च कर दिया, तीसरा रुपये पक्का यहाँ खर्च करेगा, करेगा ना, तो 10 यूटिलिटी यहाँ से मिल गई। कर इस पर कर लो चीज़ पे, क्योंकि यूटिलिटी सेम मिल रही है, कहीं खर्च कर लो आप, हैं मार्जिन यूटिलिटी इस पर भी 10 मिल रही है, इस पर भी 10 मिल रही है, तो कहीं खर्च कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 रुपये खर्च कर दिए जिसमें आपने देखा 2 रुपये इस पर खर्च हो गए हैं, 1 रुपये इस पर, 4th रुपये जो उसने खर्च करना है तो वो चीज़ यहाँ कर ले खर्च, यहाँ कर ले, बताओ कहाँ खर्च कराएं, इसी पर करा लेते हैं। ठीक है, तो इसने 4th रुपये कर दिया, उसे मिला 8 और 5वां रुपये फिर पक्का यहाँ खर्च होगा। ठीक है ना, तो 5वां रुपये जब इसने खर्च किया तो मिला 8 और इसका जब टोटल निकला, टोटल यूटिलिटी वो आपकी बन गई है 48। टोटल यूटिलिटी क्या हो गई, 48। आई बात समझ में, अब इसके अलावा कोई कंबिनेशन बनाओ, मतलब 4 यहाँ पर खर्च करो, 1 यहाँ पर खर्च करो, 3 यहाँ पर खर्च करो, 1 यहाँ पर खर्च करो, सभी में टोटल यूटिलिटी कम आएगी, 12, 10, 22, 8, 30 और 36 और 10, 46 कम है ना 48 से। इधर देखो आप, इधर 3 रुपये खर्च करो, इधर 2 करो, 40 और 46, इधर भी 46 आ रही है, तो वो क्या करेगा रेशनल कंज्यूमर, 3 रुपये तो खर्च करेगा यहाँ पर और 2 रुपये खर्च करेगा यहाँ पर। बात समझ में आ रही है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स ऑन ₹3 वो कितनी आती है 8, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट वाई वो कितनी आती है ₹2 पे 8।
यही तो चाहिए था हमें, जहाँ पर टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम है। आई बात समझ में? हाँ जी आई समझ में बात। प्रोडक्ट कोई भी रेशनल कंज्यूमर अपने पैसे को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, दोनों प्रोडक्ट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी एक दूसरे के इक्वल हो जाए, वहीं पर आपका टी यू मैक्सिमम होगा, वही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। आया समझ में भाई? ठीक है। हाँ भाई अब देखो ध्यान से, एक कंज्यूमर जो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो कैसे कैसे हो सकता है? सिंगल कमोडिटी सिंगल यूज, एक प्रोडक्ट है और उसका एक ही यूज है, तब वो आपका इक्विलिब्रियम कब होगा? आपने पढ़ाया जब मार्जिन यूटिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो। पढ़ाया ना, एक कंज्यूमर कब सेटिस्फाइड होगा? जब उससे मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी जीरो हो जाएगी, तब वो उसका पॉइंट हो जाएगा, उसका क्या होगा? सेटिस्फेक्शन पॉइंट। या फिर आप लिखोगे जहाँ पर मार्जिन यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स और प्राइस का जो रेशियो है वो दोनों सेम हो जाएगी। ठीक है, दो बातें समझ में आई आपको? या तो लिखोगे क्या जहाँ पर मार्जिन यूटिलिटी ऑफ जीरो हो जाए, ये कल आपने पढ़ा भी था देखा भी था ऐसे वाला जो केस बना था, था ना? ये टी यू था, ये आपका मार्जिन यूटिलिटी था, यहां पर आपका जीरो था, ये आपका टी यू मैक्सिमम था, और यही क्या आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल प्रोडक्ट है। तो दूसरा है सिंगल कमोडिटी है लेकिन डिफरेंट यूज है, सिंगल कमोडिटी है डिफरेंट यूज, जैसे मिल्क है, मिल्क को आप चाहे दही बना लीजिए, चाहे आप दूध पीने के लिए यूज कर लीजिए, चाय बना लीजिए, कैसे भी यूज करो, तो वो उस प्रोडक्ट को इस तरीके से यूज करेगा कि दोनों यूज से जो यूटिलिटी मिल रही है वो सेम लेवल की मिले, यानी इक्वल यूटिलिटी मिले। आई बात समझ में? ठीक है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का बनेगा भाई, देखो सेम बनेंगे ये दोनों, ये मैंने लिख दिया यूटिलिटी, ठीक है, यह लिख दिया मैंने इस तरीके से। यही एग्जांपल ले लेते हूँ मैं, पहले जो आपका 12 है, फिर आपका 10 है, फिर आपका 8 है, 6 है, फिर 4 है। मैं दो यूज बता रहा हूँ अभी आपको, दूध के दो यूज है, या आप चाहिए उसमें दही बनाने में यूज कर लो, चाहिए आप क्या कर लो पीने में यूज कर लो, ठीक है, यूज ए एंड बी मैंने इसका नाम ले दिया। मान लो पहला एक ये लिख दिया मैंने यूज ए, और इधर लिख दिया यूज बी, पहले भी इधर खर्च करेगा वो, पहला रुपए कहाँ खर्च करेगा? इधर ही खर्च करेगा ना, एक रुपए, ठीक है, सेकंड रुपए, सेकंड रुपए कहाँ खर्च करेगा? इधर करा देगा, एक रुपए खर्च हो गया उसका, पांच रुपए ही है, यूज की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट यूज आपने कर लिया है, सेकेंड आपका वो इधर भी कर सकता है, कैसे भी कर लो, दो रुपए हो गए इधर, फिर आपको करना पड़ेगा एक, नहीं आ रहा समझ में? पहला रुपए कहाँ, पहला जो यूज है मैं कह रहा हूँ पाँच रुपए में दो यूज करने हैं, एक कमोडिटी का दूध है उसका यूज करना है, पहले आपने यूज ए किया, यूज ए था दही के रूप में यूज करना, यूज भी है आप पीने के लिए यूज कर रहे हो, जब आप दही को दही के लिए यूज कर रहे हो तो उससे यूटिलिटी मिली वो 12 की मिली, ठीक है, तो लगा दिया आपने भाई ज़्यादा मिल रही है। दूसरा फिर आपने क्या किया, दूसरा आपने क्या किया कि फिर से देखा दही से अगर दोबारा से आप यूज़ कर रहे हो तो उससे आपको 10 की मिल रही, तो दूसरा रुपये भी लगा दिया। तीसरा देखा कि अब आपको पीने से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला तो आपने एक रुपये यहाँ लगा दिया। फोर्थ में देखो दोनों की इक्वल आ रही है, इधर भी आपने लगा दिया और इधर भी आप लगा दिए, तीन रुपये यहाँ खर्च हो गए, दो रुपये आपके यहाँ खर्च हो गए। आई बात समझ में या नहीं? और ये इसका बन गया, आया नहीं समझ में? दो यूज थे, एक यूज इधर लिख दिया, एक यूज इधर लिख दिया, जहां पर भी इक्वल आ गया यूज, मार्जिन यूटिलिटी दो यूज से सेम आ गई वहीं पर आपका हो गया। और इसी तरीके से आपका ये तो वो था कि एक ही कमोडिटी के डिफरेंट यूज थे, और यहाँ पर सेवरल कमोडिटी सेवरल यूज, तो अब देखो दो अलग अलग कमोडिटी है, मैंने इधर मिल्क लिखा था, इधर वो आपका लिख दिया, कर्ड लिख दिया, दही लिख दिया था, पीने के लिए यूज लिख दिया था और दही के लिए लिख दिया था। अब मैं उसी रुपए में आप ये कह सकते हो मैं दूध खरीद लूँ, या मैं दूसरी चीज़ लिखता हूँ कि मैं भाई कुछ आटा खरीद लूँ या कुछ और खरीद लूँ, दो डिफरेंट प्रोडक्ट आ गए, तब भी आपका इसी तरीके का ग्राफ बनेगा, बस यहाँ पर यूज है वहाँ पर कमोडिटी आ जाएगी,
यूज की जगह क्या जाएगी, कमोडिटी एक्स कमोडिटी वाई, ठीक है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपने समझ में आया कैसे होगा, हाँ जी ठीक है ओके। तो ये थे आपके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एंड इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, ठीक है। अजम्पशन इसकी भी वही है, रेशनल कंज्यूमर है, कार्डिनल यूटिलिटी है, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, सेम वही जो अजम्पशन आपने पढ़ी है, ठीक है। ये यूज़ वाली बात है, सिंगल कम्युनिटी का यूज़ दिखा दिए, प्राइस का वो दिखा दिया, ठीक है। तो ये तो था बिल्कुल आपका इजी सा जो आपने अभी पढ़ा। दूसरा जो आपके पास आया,